नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची सुषमा स्वराज। स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को पाकिस्तान के खिलाफ सौंपेंगी उरी हमले के सबूत। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर हुए रिपब्लिकन पार्टी के टेड क्रूज ने किया डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन। कहा, किसी भी सूरत में राष्ट्रपति पद पर हिलेरी को नहीं करूंगा स्वीकार। मई में इंडियाना प्राइमरी में ट्रंप के हाथों टेड क्रूज ने किया था हार का सामना। वॉशिंगटन के मॉल में गोलीबारी में संदिग्ध गिरफ्तार। संदिग्ध की पहचान बर्लिंगटन के ओक हार्बर शहर के रहने वाले 20 वर्षीय आर्कन क्रेटन के रूप में हुई। गोलीबारी में हुई थी 5 लोगों की मौत। पीएम मोदी के भाषण पर पाक का पलटवार। कहा, भारत पाकिस्तान में फैलाता है आतंकवाद। कथित भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का दिया हवाला। अमेरिका के बाल्टीमोर में फायरिंग, हमले में 8 लोग घायल। गोलीबारी करने वाले संदिग्ध फरार, पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 गाइडों को किया गिरफ्तार। दोनों आतंकवादियों को सीमा पार कराने में करते थे मदद। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों को मसूद अजहर ने दी है ट्रेनिंग। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।